उससे पहले आपको इस वक्त का बड़ा अपडेट दे दें, अभी तक जिन सीटों पर मतदान चल रहा है कितना मतदान अभी तक कहां हुआ है। फैजाबाद सीट पर 40.08% मतदान की खबर है, तो वहीं बात करें बांदा सीट की तो वहां 1 बजे तक 40.15% मतदान हुआ है। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, फैजाबाद सीट पर 40.08% वोटिंग हुई है तो बांदा सीट पर 40.15% वोटिंग हुई है, और ये दोनों ही आंकड़े दोपहर 1 बजे तक के हैं। तो एक एक करके जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं कि 1 बजे तक कहां कितना मतदान हुआ है, उसमें फैजाबाद और बांदा सीट का डेटा सामने आया है। फैजाबाद में 40.08% और बांदा में 40.15% वोटिंग हुई। अगली खबर का रुख करते हैं, ललितपुर के एक बूथ पर 100% वोटिंग, सोलदा गांव में 100% मतदान हुआ है। यह इस वक्त की एक बड़ी और उत्साहित करने वाली खबर है। पोलिंग बूथ नंबर 277 पर 100% वोटिंग हुई है, लोकतंत्र के महापर्व में यह इतिहास है। जी हां, ललितपुर के एक बूथ पर 100% वोटिंग हुई है, सोलदा गांव में 100% मतदान हुआ है। पोलिंग बूथ नंबर है 277, जहां पर जितनी आबादी रहती है सबने वोट डाल दिया है, सारे वोटर्स ने वोट डाला है। सोलदा गांव में 100% मतदान यहां पर हुआ है, जो कि लोकतंत्र के इस महापर्व में एक इतिहास की तरह है। एक ऐसा बूथ जहां पर सभी वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, 100% वोटिंग हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लखनऊ में मतदान किया, साथ ही बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधा। जिस तरह से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी का मन बना लिया है, झटाझट झटाझट झटाझट। और आप जो देख रही हैं जिस तरह से जनता का रुझान आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को भगाएगी सत्ता से, सरपट 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 सटापट। इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी फटाफट फटाफट फटाफट। क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा में पूरी तरह से जीत रहा है, कहीं कोई टक्कर नहीं है, वो आप देख सकते हो। जनता का जिस तरह से वोट का रुझान है, जनता जिस तरह से धूप में भी सत्ता को हटाने के लिए आ रही है, वो अपनी तकलीफ जो दर्द मिला है जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वोट के माध्यम से अपना दर्द दूर करेगी। और 4 जून को आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसी सरकार को सत्ता से हटा देगी जिसने जनता की कभी नहीं सुनी, सिर्फ धरना सीटों की सुनी। और अगली खबर का रुख करते हैं, लखनऊ में आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी अपने परिवार के साथ चित्रगुप्त नगर वार्ड के बेसिक प्राथमिक विद्यालय कनौसी में वोटिंग की है। अनिल दुबे ने भोला खेड़ा बूथ संख्या 100 पर मतदान किया है, उनके साथ पार्षद नरेंद्र पाल पप्पू भी मौजूद रहे। तो वोटिंग की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, आम खास सभी लोग वोट डाल रहे हैं। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे भी परिवार समेत वोट डालने के लिए पहुंचे, भोला खेड़ा बूथ नंबर 100 पर उन्होंने वोटिंग की है, तस्वीर आपके सामने है। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने वोटिंग की है, अपने परिवार के साथ वो पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और चर्चा के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव इस वक्त जुड़ गई हैं। नेहा, जिन सीटों पर आज मतदान चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हमने चुनाव प्रचार में हाल ही में देखे, आप लोग भी तरह तरह की तस्वीरें सामने रख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि INDIA गठबंधन के रैलियों में कितनी भीड़ आ रही है, तमाम जगहों पर प्रचार चल रहा है। लेकिन अमेठी रायबरेली दो ऐसी सीटें जिन पर सबकी निगाह टिकी हुई है, एक तरफ रायबरेली में INDIA कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है, तो अमेठी से संदेश देने की कोशिश देखिए मैदान छोड़कर भागे हैं। गठबंधन लगातार से आगे बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन ने अपनी मजबूती रणनीति में एक बड़ा जो एक हिस्सा जो जनता हमारे साथ जिस तरह से खड़ी हुई है, इससे साफ नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने जा रही है। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चरण में बहुत मजबूत परिस्थितियां रही है और पांचवें चरण में भी हम लगातार जीत की ओर अग्रसर है। इससे भारतीय जनता पार्टी में बहादासा और निराशा साफ नजर आ रही है,
जिस तरह से कल अमित शाह ने गुस्से में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को डांटा है, वो साफ नजर आ रहा है कि इनकी रैलियों में भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही। और आदरणीय अखिलेश जी और राहुल जी की रैली में बड़ी संख्या में जनमानस, अचानक से लाखों लाख संख्या में जनमानस आ गया, नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट मतदान होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने जा रहा है कि ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने जा रहा है एनडीए गठबंधन। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश जी भी जुड़ गए हैं स्टूडियो से। बहुत स्वागत है ज्ञानेश जी आपका न्यूज 18 पर। आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अमेठी रायबरेली की है। सोनिया गांधी रायबरेली से संदेश दे चुकी है कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, तो बीजेपी पूरी कोशिश पूरा जोर इस बात पर लगा रही है कि ये तो मैदान छोड़कर भाग गए, गांधी परिवार डर गया, कांग्रेस खात्मे की ओर है। नहीं, ये जो अमेठी छोड़ना वो तो एक परसेप्शन वाइज कांग्रेस इसमें डाउन हुई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि रायबरेली में इस बार जो सोनिया गांधी अपनी विरासत सौंपी है तो उसका एडवांटेज तो मिलेगा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली दोनों परंपरागत सीट है कांग्रेस का। लेकिन 14 के बाद भारतीय राजनीति में वोट का ध्रुवीकरण कहिए या वोट का समीकरण कहिए या चुनावी कैंपेन कहिए, सब कुछ बदल चुका है। ऐसे में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, यहाँ तक कि कांग्रेस को भी रायबरेली में उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है जितना कि बाकी जगह पर है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का विषय है। और आपको ये भी बता दें कि अमेठी में आप 2014 में और 2019 में वोट परसेंटेज बढ़ा है बीजेपी का 15% के आसपास, और ये इस बार कितना उस पर डेंट लगता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत आसान नहीं है ये कहना कि आप राहुल गांधी इसलिए जीत जाएंगे या आप सोनिया गांधी जीत जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एक बार आप बाजी हार चुके होते हैं तो परसेप्शन वाइज आप थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना कहीं ना कहीं एक तरह से बैकफायर, थोड़ा सा उसमें डेंट दिखाई पड़ा है। लेकिन राहुल गांधी का दूसरा कैरेक्टर सामने आया है, जो पहले की जो छवि थी उसमें एक जबरदस्त उबाल आया है, और वो शायद रायबरेली उनको सीट एक तरह सुरक्षित मानी जा रही है। जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रख दें। अयोध्या के कटरा में ईवीएम के खराब होने की खबर है, बूथ नंबर 161 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है, करीब आधे घंटे से यहां पर वोटिंग रुकी हुई है और ईवीएम मशीन को ठीक किया जा रहा है। तो अहम अपडेट अयोध्या से सामने आया है, यहां के कटरा में ईवीएम के खराब होने की खबर है। और नेहा यादव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नेहा यादव जी, अमेठी रायबरेली की हमने चर्चा की, लेकिन बात पांचवें चरण के चुनाव प्रचार में मुद्दों की जाए तो यहां पर एक बार फिर से आतंकवाद का जो मुद्दा था उसको उठाया गया। 400 पार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 400 पार सुन के विपक्ष को चक्कर आने लगते हैं, वही आप लोगों की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। लेकिन इस पांचवें चरण के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे थे वो मैदान से गायब दिखे, चुनावी आरोप प्रत्यारोप भाषणों में एक दूसरे पर जो निशाना साधा गया उसी के इर्द गिर्द इसका जाल, एक परसेप्शन की लड़ाई ज्यादा पांचवें चरण में नजर आ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता के मुद्दे जनता के बीच रख रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जनता के मुद्दे जनता के बीच रख रहे हैं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से दूर अपना चुनाव लड़ रही है। और भाई हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम, इन्हीं मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है इस बार इनकी 400 पार नहीं 400 पर हार होने जा रही है। और पांच चरणों का जो चुनाव होने का मतदान आज समाप्त हो जाएगा शाम को, पांच चरणों का, उसमें साफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बुरी तरह चुनाव हार चुकी है। अभी से 400 पार छोड़ी इनकी 100 पार होने वाली नहीं है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है जनता को देने के लिए कि महंगाई पे इन्होंने क्या जवाब दिया, कोई जवाब नहीं है। महंगाई कैसे इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी पे इन पर जवाब नहीं है, इन पर महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं है, किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में जवाब नहीं है, कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आज इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है, हमने जो वादे किए हैं हम उन वादों को पूरा करेंगे, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ आज जनता है और जनता हमें बड़ी संख्या में वोट कर रही है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमने जनता के मुद्दों को नहीं छोड़ा, हमने केवल भाषणबाजी या परसेप्शन की लड़ाई नहीं लड़ी, हम जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वही बीजेपी है वो ये जान चुकी है कि 400 पार का जो नारा था अब वो कहीं पीछे छूट चुका है। लगातार पांचवें चरण की आज जो वोटिंग हो रही है उसके बाद विपक्ष इस बात को जनता के बीच में रख रहा है
कि बीजेपी चुनाव हार रही है, आप 400 पार तो क्या अभी बहुत पीछे हैं। चलिए, विपक्ष को आपने समय भी ज्यादा दिया इसलिए उनको बोलने का मौका ज्यादा लग गया है, लेकिन देखिए देश में एक परिवर्तन आया है कि जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे हैं बताते थे, आज रायबरेली में उतरते ही उन्हें राम भक्त हनुमान के शरण में जाना पड़ रहा है। एक बड़ा परिवर्तन है और इसी से समझ में आ रहा है कि साउथ में रह के सनातन पर हमला करने वाले उत्तर में जब आते हैं तो उनको हिंदू मंदिरों में जाना पड़ रहा है, यानी लड़ाई उनकी कठिन है। और प्रयाग की बात अभी कल हो रही थी, घोर अव्यवस्था और घोर अराजकता का प्रकटीकरण कल हुआ है वहां, और ये मूल चरित्र है समाजवादी पार्टी का, जो अपने नेताओं के भी आह्वान को, अपील को नहीं सुन पा रहे हैं। यानी उन्होंने संदेश दे दिया है कि हम जैसे 90 से लेके 2017 तक थे आज भी वैसे हैं, अगर हमको कभी शक्ति मिली तो जैसे हमने आज अपने अखिलेश यादव राहुल गांधी का मंच तहस नहस किया, जैसे 12 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश को तहस नहस किया था, जैसे 2004 से 14 के बीच भारत को कांग्रेस ने तहस नहस किया था, इसी तरीके से हम देश को का हाल करेंगे। और जनता ने कल देख लिया है इनका आचरण, और कल के आचरण के बाद जो वेग है, सुनामी है भारतीय जनता पार्टी की, वो चल रही है। 39 सीटों पर पहले चुनाव हो गया है, पांचवा छठवां सातवां मिला के उत्तर प्रदेश में 41 सीटें बची हैं, 41 में 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमने विकास भी किया है, हमने जो हमारा जो पुरातन था उसको सजो के रखा है, और साथ ही साथ कल की घोर अराजकता से जनता को समझ में आ गया है कि दरअसल ये अपराधी, अराजकतावादी और इस तरह के व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं इंडी गठबंधन में, तो ऐसे लोगों को जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। और उत्तर प्रदेश की जनता को याद है पुराने दिन, और कल उन्होंने उसको फिर से कुरेद के दिखा दिया है कि हमारा असली चेहरा यही है। मनीष जी, फूलपुर की सीट पर जो भीड़ की तस्वीरें वायरल की गई INDIA गठबंधन की तरफ से, उसके तमाम सहयोगी दल उस उन तस्वीरों को सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये है असली चुनाव और जनता यहां पर चुनाव लड़ रही है, तो उसको लेकर इस तरह का माहौल सोशल मीडिया के माध्यम से और जिस परसेप्शन का मैं जिक्र कर रही थी रखा जा रहा है कि देखिए यहां तो जनता मैदान में है, नेता नहीं। आप 1-2 लाख लोगों को, जैसे मोदी जी की रैली में लाखों लोग बैठते हैं, आप बैठा दीजिए और 5,000 अराजक लोगों को खड़ा कर दीजिए, तो 4-5 हजार की भीड़ ऐसी लगती है जैसे धुएं का जो गुब्बार होता है, लेकिन उस गुब्बार में कोई ताकत नहीं होती है। ताकत होती है जो शांति से अपने नेता को सुनते हैं, उनकी नीतियों को समझते हैं, और उन्होंने 10 साल में क्या किया उसको सुनकर जब बूथ पर जाते हैं तब वो वोट डालते हैं। और ये जो 4-5 हजार अराजक लोगों को उन्होंने एकत्रित किया, उन्होंने जिस तरीके से अराजकता की, छोड़कर भागना पड़ा राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मंच, क्या यही तस्वीर रखना चाहते हैं देश की, यही तस्वीर दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की? इसी तरह की तस्वीरों को दिखाने के नाते से ये उत्तर प्रदेश कुख्यात हो गया था, दंगों के प्रदेश के नाम पर, अपराधियों के प्रदेश के नाम पर, कट्टे और दुपट्टे की राजनीति के नाम पर, जिसको योगी जी ने बदला है पिछले 7 वर्षों में। 10 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अनानी और अंबानी का 5,000 के अराजक तत्वों। एक सेकंड नेहा जी, मनीष जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद नेहा यादव उस पर जवाब देना चाहती हैं, बोलिए। बिल्कुल, 2022 में भी ऐसी ही गुंडागर्दी अखिलेश यादव के नेतृत्व में शुरू हुई थी और जनता ने जवाब दिया था। फूलपुर और प्रयागराज की तस्वीर राहुल और अखिलेश के समर्थक और राहुल और अखिलेश के असली चरित्र को बता रहे हैं। ठीक है, नेहा यादव जी आपका जवाब। कटोरा लेके बैठी है राम मंदिर के बाहर, आपको जनता ने अस्वीकार कर दिया है, जनता ने मार दिया आप लोगों को, अस्वीकार किया है हमें, प्रधानमंत्री ने अस्वीकार किया है हमें और हमको इनकी जरूरत भी नहीं है, तो मुझे लात मार देना आज उसी प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए, जनता ने जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी बात रखिए
और अच्छा हुआ मेरे चुप कराने से पहले ही आप दोनों खामोश हो गए। लेकिन आपको बता दें कि इस सबके बीच एक बूथ ऐसा भी है ललितपुर में जहां से ये खबर आई है, क्योंकि मतदान बढ़े यही कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, राजनीति से ऊपर सबके वोटर घरों से बाहर निकले। तो इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि यहां पर एक बूथ है 277 जहां पर 100% वोटिंग अभी तक हो गई है। दोपहर के 2 बजे के आसपास का वक्त है और खबर ये आई है ललितपुर से कि वहां पर एक बूथ है 277 जहां पर 100% मतदान हो गया है। मनीष जी, इसी पर सवाल आपसे कि पहले फेज से के बाद से ही ये कोशिशें जारी हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि लोग ज्यादा निकले, गर्मी का मौसम भी है और पोलिंग परसेंटेज अति उत्साहित करने वाला हर बार नहीं आता है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है वोट डालने के बाद। राजा भैया क्या कह रहे हैं? अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा जिस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी, लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने यही महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होते हैं, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी, 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे,